फ्रेंड्स हमें मिलकर इस वीडियो पर पुजारा के शतक के लिए मिलकर 100 लाइक्स करने हैं, तो आप भी इस वीडियो को लाइक जरूर करें। देखते हैं हम कितने लाइक कर सकते हैं। भारत और श्रीलंका के बीच 3 टेस्ट मैचों की सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच आज नागपुर के विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला जा रहा है। दूसरे टेस्ट के पहले मैच में श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला लिया। इस दौरान टीम 205 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। इसके जवाब में टीम इंडिया ने पहली पारी में 2 विकेट खोकर 265 रन बना लिए हैं। टीम के दिग्गज खिलाड़ी चेतेश्वर पुजारा ने अपने टेस्ट करियर का 14वां शतक जड़ा। पुजारा ने शतक पूरा करने के लिए 246 गेंदों का सहारा लिया और 11 चौके जमाए। इस साल पुजारा ने चौथा टेस्ट शतक जड़ा। श्रीलंका के खिलाफ 29 वर्षीय पुजारा ने चौथा शतक लगाया। दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन श्रीलंका के ऑल आउट होने के बाद लोकेश राहुल और मुरली विजय बैटिंग करने आए। इस दौरान राहुल महज 7 रन बनाकर गमागे की गेंद पर आउट हो गए और दिन खत्म होने तक भारत का स्कोर 11 रन पर 1 विकेट रहा। दूसरे दिन मुरली विजय और चेतेश्वर पुजारा ने टीम इंडिया को ठोस शुरुआत दी। मुरली ने टेस्ट करियर का 10वां शतक जड़ा। इसके बाद रंगना हिरत की गेंद पर आउट हो गए। विजय ने 221 गेंदों का सामना करते हुए 11 चौकों और 1 छक्के की मदद से 128 रन बनाए। आउट होने से पहले मुरली ने पुजारा के साथ मिलकर 200 से ज्यादा रन की साझेदारी निभाई। पहले दिन रविचंद्रन अश्विन 67 रन 4, ईशांत शर्मा 37 रन 3 और रविंद्र जडेजा 56 रन 3 की तिगड़ी ने मेहमान टीम को पहली पारी में 205 रनों पर ही ढेर कर दिया। श्रीलंका के लिए अच्छी बात यह रही कि उसने दिन का खेल खत्म होने तक भारत को फेंके गए 8 ओवरों में 11 रन बनाने दिए और भारत का 1 विकेट लेकर लोकेश राहुल को पवेलियन लौटा दिया।